हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लानर। गाइज, आज के इस वीडियो एपिसोड में हम देखेंगे बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जो 2017 में जो पूछा जा चुका है क्वेश्चन, वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग 43 तकला क्वेश्चन कर चुके हैं केमिस्ट्री का, मैंने 43 तकला, तो यहाँ हम 44 से क्वेश्चन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस बार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम दे रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। हाँ, अगर दोस्त अगर तक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल ऑन करें और लाइक जरूर करें। तो देखिए, फर्स्ट जो 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माइक्रो कॉस्मिक लवण है। तो देखिए, ये आपको फार्मूला है, निम्न में से कौन सा माइक्रो कॉस्मिक लवण है। तो इसका जो फार्मूला होता है Na(NH4)HPO4 का यही फॉर्मूला होता है। ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, Na(NH4) क्वेश्चन HPO4 ये हो जाएगा। अगला, आयोक्सो के सांद्रण के लिए फेन प्लावन विधि निम्न में से किस एक व्यवहारिक अनुप्रयोग है। जो आयोक्सो जो है, तो ये जो आपको जो जो क्वेश्चन है, आयोक्सो के सांद्रण के लिए फेन प्लावन विधि अधिशोषण का व्यवहारिक अनुप्रयोग होता है। आयोक्सो के सांद्रण के फेन प्लावन विधि निम्न में से किसका एक व्यवहारिक अनुप्रयोग, तो इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग होता है अधिशोषण। अधिशोषण क्या होता है, ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा, सही राइट। अगला है, जंगरोधी इस्पात जंगरोधक होते हैं क्योंकि, जो जंगरोधी इस्पात होता है वो जंगरोधक होते हैं क्योंकि, इसमें जो होता है कि लोहा और इस्पात का उत्पादन, लोहा जंगरोधी इस्पात एवं जंगरोधक होते हैं क्योंकि ये एक रस समीकरण मितीय यौगिक बन जाता है। जंगरोधी इस्पात एक जंगरोधक होता है क्योंकि एक रस समीकरण मितीय यौगिक बन जाता है। ऑप्शन आपको भी सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न धातुओं में से कौन सी सकर्मक धातु है। तो आप अगर पीरियोडिक टेबल अगर चार्ट अपना टांगे होंगे रूम में तो उसमें देखिएगा, सकर्मक तो का एक सकर्मक धातु का एक अलग लिस्ट बना हुआ है। निम्न में से धातु में से कौन सी सकर्मण धातु है, तो वो जो है एस्केडियम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एस्केडियम हो जाएगा। अगला है, लोहा और इस्पात किस उत्पादन पर आधारित है। लोहा और इस्पात, स्टील और फेरस, यानी किस चीज़ के उत्पादन पर आधारित है। जो लोहा और इस्पात का जो उत्पादन है, कार्बन तथा मिश्र धातु जैसे, कार्बन तथा मिश्र जैसे हो, जैसे हो गया क्रोमियम, मैग्नीज और निकेल, निकेल के योग लोहा ऑक्साइड का अपचयन तथा अशुद्धियों निष्कासन पर आधारित है। तो ये जो आपको जो ऑप्शन हो जाएगा, जो लोहा ऑक्साइड का अपचयन पर अशुद्धियों निष्कासन एवं कार्बन उपरोक्त, ये सही आप पूरा डी सही हो जाएगा। लोहा ऑक्साइड के अपचयन पर होता है, ठीक है, अशुद्धियों के निष्कासन को होता है और कार्बन का मिश्र धातु जैसे क्रोमियम, मैंगनीज और निकेल के योग पर उपरोक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन 49 है, यौगिक बैटरी उद्योग में उपयोग होता है, मान किस यौगिक का बैटरी जो उद्योग में उपयोग किया जाता है। तो ये जो किया जाता है MnO2 का उपयोग सूक्ष्म बैटरी के सेल में किया जाता है। किसका, MnO2 सूक्ष्म बैटरी के सेल में किया जाता है। और जेठन और निकेल का उपयोग बैटरी के कारखाने में किया जाता है, बैटरी के कारखाने में किया जाता है। तो ये जो आपको जो ऑप्शन है, तो MnO2 आपको ऑप्शन 49 सही हो जाएगा, राइट। अगला, भारी जल का सही निरूपण क्या, ये कितना बार कंपटीशन के एग्जाम में आ चुका है, रेलवे SSC सब में आ चुका है और बिहार पॉलिटेक्निक में भी आ चुका है। तो भारी जल का ऐसा माने भारी जल का सही निरूपण होता है D2O, यानी डिटोरियम, D2O होता है, ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन जो 52 जो है, वे यौगिक, सॉरी 51 नंबर क्वेश्चन है, वे निम्न में से कौन सा तत्व मानव हड्डी एवं दांतों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अधिक से अधिक मात्रा में पाया जाता है। हम लोग जो मानव हड्डी दांत है प्रचुर मात्रा पाया जाता है, तो आप जानते हैं कैल्शियम पाया जाता है, क्या होता है, कैल्शियम। कैल्शियम मानव शरीर के हड्डियों में
एवं दांतों में उपस्थित होता है लगभग शरीर के कैल्शियम का 99% अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित होता है, 99%। तो इसलिए हमारा शरीर में कैल्शियम का अधिक से अधिक मात्रा होता है। 52 नंबर है कि वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु बंध श्रृंखला माने बंध श्रृंखला बनाते हैं वो क्या कहलाता है। तो हाइड्रोजन के जो यदि यदि हाइड्रोजन यदि यदि यौगिक के कार्बन परमाणु एक बंध श्रृंखला बनाते हैं, यदि यौगिक में कार्बन परमाणु एक बंध श्रृंखला बनाते हैं तो यौगिक साइक्लोएल्केन बनाता है। क्या बनाता है? साइक्लोएल्केन बनाता है। ऑप्शन आपको 20 सही है। 53 नंबर देखिए, हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु चतुर्थ संयोजी होता है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु का चतुर्थ संयोजी होता है, अतः हाइड्रोकार्बन जो होता है वो एकल संयोजी होता है। क्या होता है? एकल संयोजी होता है, प्राकृतिक एकल संयोजी होता है। जबकि कार्बन की चतुर्थ श्रेणी, अगर कार्बन यहाँ पर रहता है, हाइड्रोकार्बन में कार्बन की परमाणु चतुर्थ श्रेणी में होता है, और हाइड्रोजन क्या होगा? तो एकल संयोजी कार्बन का तो यहाँ लिखे दिया, चतुर्थ श्रेणी में होता है, चतुर्थ संयोजी में होता है। अगला है हरे फलों, 54 नंबर, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त प्रयोग होता है। ये भी कंपटीशन में बार बार आ चुका है, कंपटीशन के एग्जाम में। ये जो हरे फल को पकाने के लिए जो एथिलीन होता है, एथिलीन से जो कृत्रिम रूप से हम इसको उपयोग कर कर फल कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो इसका फार्मूला होता है एथिलीन के C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4 होता है, जो कृत्रिम रूप से हम हरे फल को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला है 55, साबुनीकरण प्रक्रिया प्राप्त होने वाले एल्कोहल क्या है। जो हम साबुनीकरण प्रक्रिया करते हैं तो हमसे उसमें होने वाले एल्कोहल में से हमसे क्या प्राप्त होता है। तो उसमें से हमको ग्लिसरॉल का जो है ना, इसमें हमको जो एस्टरों के जैसे जब वासा माने वासा के वासा ग्लिसरॉल एस्टरों का जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को एक साथ गर्म किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ एक साथ गर्म किया जाता है तो साबुन का निर्माण होता है। तो ये जो होता है ग्लिसरॉल एस्टर के जलीय विलयन से आपको ग्लिसरॉल हो जाएगा। अगला है कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाया जाता है। तो गाइज इसको याद कीजिए, कॉस्मेटिक जो पाउडर बनाया जाता है वो टेल्क से बनाया जाता है। क्या चीज़ बनाया? टेल्क से बनाया जाता है, राइट। अगला जो दी गई अभिक्रिया जो है 2N+ SulphNA2S में सल्फर होता है, सल्फर इसमें क्या हो रहा है, जाके यहाँ पर सल्फर संयोग हो रहा है। तो आप बताइए ना क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना हो रहा है, क्या अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन। तो अपचयन जो हो रहा है जो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, राइट। अगला COMH2 के मिश्रण कहा जाता है, किस CO और H2 को मिश्रण को हम क्या कहा जाता है। तो CO और H2 को मिश्रण को हम कहा जाता है संश्लेषित गैस भी कहा जाता है। CO और H2 को हम मिश्रण को संश्लेषित गैस भी कहा जाता है। अगला है 59 नंबर, नेपथीन को सरलता से संशोधित किया जा सकता है। नेपथीन का सरलता से संशोधित किस चीज़ से संशोधित किया जा सकता है। ये जो पदार्थ जब पदार्थ को जो हम गर्म करने में उध्वर्तपातनीय यानी उन्हें उन्हें उध्वर्तपातन द्वारा किया जाता है, जो नेपथिल उध्वर्तपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है, किसके द्वारा? उध्वर्तपातन द्वारा। नेपथिल जो है उध्वर्तपातन द्वारा सरलता शोधित किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन यानी 29 नंबर यानी 60, कार्बोनिक यौगिक के कि शोधन पृथक्करण एवं शुद्धता की जांच के लिए आधुनिक विधि किस विधि से कहलाता है। कार्बन के यौगिक शोधन पृथक्करण एवं शुद्धता की जांच के लिए आधुनिक विधि जो क्या चीज़ है वो वर्ण लेखन है। क्या है? वर्ण लेखन शुद्ध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो शोधन के लिए पृथक्करण के लिए शुद्धता के लिए ये वर्ण लेखन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो गाइज आपको 30 क्वेश्चन हो चुका है, इसमें 30 मैथ का, फिजिक्स का भी हम करवा चुके हैं और 30 इसमें केमिस्ट्री भी करवा चुका है, मैथ का भी इसमें क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सोल्व करके वीडियो अपलोड हो चुका है 2017 के। तो गाइज तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए मेरा खोलकर और उसमें आप इसको सारा वीडियो देखिए। ओके एंड थैंक्स।